नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल रोचक जिंदगी में। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे हो, आगे भी अच्छे रहो। तो दोस्तों, मेरी वॉइस थोड़ी सी खराब आ रही होगी क्योंकि यार मेरा गर्दन थोड़ा खराब सा चल रहा है अभी। तो दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं कर सकता था, इसलिए आज मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, अब हम आज के अपने फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे मूवीज और जियोग्राफिकल चैनल्स पे बर्फ़ को पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों, इस फैक्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, जब कभी भी कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट सॉलिड में बदलता है तो उसकी डेंसिटी घट जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ जाता है। तो लेकिन पानी के साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता, यहाँ पे सीधा उल्टा होता है। जब ये लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जब वाटर आइस में बदलता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और उसका वेट घट जाता है। इसके वजह से बर्फ़ जो होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि वो पानी से हल्का हो जाता है। और ये बात आपको मालूम ही होगी, हमेशा हल्के ऑब्जेक्ट्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं और भारी ऑब्जेक्ट्स नीचे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसी और फैक्ट के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।